अयोध्यावासी तो अयोध्या चले गए, somehow they were able to pacify themselves with remembrance of the last instructions that Lord Ram gave them. प्रभु राम ने जाते हुए क्या कहा था कि निश्चित रूप से मेरे पिता को जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए दोषी बन ठहरा और आगे जा करके भरत के साथ ऐसे ही व्यवहार करना जैसे आपने मेरे साथ किया होगा। इन दो इंस्ट्रक्शंस को लेकर के अयोध्यावासी अपने अपने घरों में राम और लक्ष्मण और सीता के वियोग में रहने लगे। यहाँ पर दूसरे दिन सुमंत्र, राम, लक्ष्मण और सीता ये दोनों भी इन्होंने वेद श्रुति नदी पार की, पार करके आगे जा करके गोमती नदी पार की। गोमती नदी पार करते हुए सभी एकदम स्थिर मन से, स्थिर चित्त से आगे जा रहे थे। तो उसे टेंस मोमेंट, इसी बीच में सीता खुदक करके हंसने लगी। और सीता क्यों हंस रही है ये राम ने देखा, लक्ष्मण ने देखा, तो उनका ध्यान दो मैथुन करते हुए एक पक्षी के जोड़े पर गया। सो ये देख करके सीता खुशी से झूम रही थी, नेचुरल स्वाभाविक। राम भी थोड़ा सा मुस्कुराए, लक्ष्मण ने देखा, लक्ष्मण भी मुस्कुराए। लेकिन इसके बाद में सीता ने लक्ष्मण की ओर देखा कि लक्ष्मण भी सीता की ओर देख रहे हैं कि सीता क्यों हंस रही है, और सीता थोड़ी सी, मतलब थोड़ा सा वो ऑड फील हुआ उनको कि लक्ष्मण वहां थे। दैट वाज द टाइम लक्ष्मण रियलाइज्ड कि यहां पर कम से कम सीता और राम को इतनी प्राइवेसी है कि वो अपना जीवन खुद जी सके। He took a vow that for the coming 14 years, आने वाले 14 साल के लिए वो सीता को सीधे कभी नहीं देखेंगे और राम और सीता को प्राइवेसी देंगे, वो दूर से उनका रक्षण करेंगे और जो कुछ भी उनको चाहिए देंगे। आगे जाते जाते एक समय ऐसा आया जब राम हंसने लगे और राम एकदम जोर से हंसने लगे, जैसे नो मतलब एक होता है स्मिता हास्य, एक होता है रियली हृदय से हंसना, पूरा दिल खोल करके। राम दिल खोल करके हंस रहे हैं तो सबका ध्यान गया क्योंकि राम का ऐसे हंसना इज लाइक वेरी रेयर। तो उन्होंने देखा कि उसी समय में 5-6 बड़ी बड़ी भैंसे, वहां पर एक छोटा तालाब था और 5-6 बड़ी भैंसे तुकड़ुक 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 करके भाग करके आगे पानी में एकदम से घुस गई। और उस पानी में कई सारी महिलाएं कपड़े धो रही थी, कई सारे पक्षी जो थे वो वहां पर पानी पी रहे थे। सारे महिलाएं इतस्तत तो घूम करके थोड़ा सा डिसबैलेंस होकर के चीखते चिल्लाते हुए बाहर आई और ये सब देख करके राम हंस रहे हैं और उन भैंसों को, उन महिलाओं का पूछ पड़ा दिए, वो आराम से अंदर जाके तैर रहे। ये छवि देख करके राम हंसने लगे, लक्ष्मण भी हंसने लगे, सुमंत्र हंसने लगे, सीता हंसने लगी। राम कई बार ऐसी बातें करते जो सीता की कभी समझ में ही नहीं आती, लेकिन सीता को ऐसा लगता दैट दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस वेर नॉट सिंपली सेंटेंसेस, दे वर डीप मेंट सेंटेंसेस, जैसे उनका कोई बहुत गहन अर्थ हुआ। सीता को समझ में नहीं आता कि राम ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। जैसे एक बार राम ने कहा, सीता तुम्हारी आंखें एकदम ब्लू वाटर लिली के पंखुड़ियों जैसी है। अब सीता समझने लगी कि ऐसे भगवान की उपमा क्यों देनी चाहिए, क्या इसका अर्थ है कि कैकेयी ने तुम्हें अपने तालाब से बाहर निकाल लिया हो शायद अयोध्या में, लेकिन तुम यहां पर भी उतनी ही सुंदर होती हो। सीता सोच रही थी, गुड राम रियली मीन लाइक दिस, व्हाई डिड ही कंपेयर माय आईज टू अ ब्लू वाटर लिली। बट सीता नेवर आस्क्ड एनी क्लैरिफिकेशन। सीता थॉट
सम थिंग्स आर जस्ट बेटर लेफ्ट टू टाइम और जस्ट लेफ्ट इन टू ऑब्लिवियन. शी वॉज हैप्पी कि वो राम के साथ थी, उनके पति के साथ थी. शी वॉज हैप्पी कि इस दुख की घड़ी में भी उनकी सेवा कर रही थी और अपने पातिव्रत्य का पालन कर रही थी. बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता. शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की